आपका एचडी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचडी। तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। सरकार का ये नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी की सुरक्षा का जिम्मेदार कोई नहीं, न सरकार। इस बात को लेकर सभी आंख मूंद लेते हैं कि बेटी की कितनी सुरक्षा की जा रही है, कितनी सुरक्षा दी जा रही है। हम जब भी देश में देखते हैं कोई खबर, तो सबसे पहले ये खबर कहीं ना कहीं किस देश के किसी न किसी राज्य से सामने आ जाती है कि इस राज्य में इतनी वर्षीय बालिका के साथ रेप हुआ है, इस राज्य में इतनी सारी बालिकाओं के साथ रेप हुआ है। कहीं ना कहीं रोज़ न रोज एक न एक, दो न दो, कहीं किसी न किसी बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आते ही है। आज हम बात करें राजधानी के पारा क्षेत्र की, जहाँ पर एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और वही उसके जानने वाले हैं। आइए हम जानते हैं विस्तार से इस घटनाक्रम के बारे में। पारा क्षेत्र में एक किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोप है कि बुधवार देर रात युवकों ने किशोरी के मुंह में कपड़ा बांधकर उसे स्कूटी पर अगवा करके एक आम के बाग में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता ने किसी तरीके घटना की जानकारी अपने मामा को फोन पर दी, जिसके बाद घर वालों को घटना के बारे में पता चला। पीड़ित परिवार के मुताबिक किशोरी सामान लेने के लिए घर से निकली। चौराहे से वादरखेड़ निवासी आकाश शर्मा उर्फ राहुल और उसके दोस्त अनीस कुमार रावत ने किशोरी को अगवा कर लिया था, जिसके बाद वह समेलपुर पतौरा स्थित आम के बाग में ले जाकर के बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने किशोरी को बाग में ही छोड़ दिया था। जानकारी पाकर किशोरी के घर वाले वहां पहुंचे और थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। महिला सुरक्षा को लेके सरकार को कुछ सख्त कदम उठाना ही होगा, वरना ऐसे दुष्कर्म ऐसे मामले थमने का नाम नहीं लेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें बताना ना भूलें और अपनी विचारधारा हम तक पहुंचाना भी ना भूलें। YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।